आकाश आहूजा. हाय दिस इज मीनी आरका चौकसे एंड यू आर वाचिंग ऑन IWM बस. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस. और आज हम पहुंच गए हैं फालतू के सेट पे और आज हमारे साथ है फालतू के स्टार कास्ट. सो फर्स्टली आकाश एंड निहारिका, वेलकम टू IWM बस एंड बिग बिग कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू विजिट अस. थैंक यू सो मच, इट्स ऑल प्लेजर. सो मैं ये जानना चाहूंगी टू कॉल फालतू इज फीलिंग अस टू कॉल अ फालतू, मतलब वियर्ड लग रहा है हमें बुलाने के लिए, ये नाम कैसे पड़ा फालतू का एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस? आई पर्सनली लव द नेम. नाम कैसे पड़ा वो तो हमारे सर बता पाएंगे, और राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर. बट अगर आपने फर्स्ट प्रोमो देखा है तो सबको समझ में आएगा होगा कि फालतू नाम क्यों है. जी, अगर बात करेंगे शो की तो शो का कॉन्सेप्ट काफी अलग है. व्हेन यू लर्नड अबाउट द शो का कॉन्सेप्ट तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन दोनों का? एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई थी. मैं जस्ट स्क्रिप्ट में देखकर आई वाज लाइक कि कैरेक्टर नेम फालतू क्यों है. बट देन मुझे जो प्रोड्यूसर सर है उन्होंने ब्रीफ दिया एंड आई वाज लाइक वेरी अमेज्ड क्योंकि बहुत डिफरेंट स्टोरी है एंड मुझे काफी अच्छी लगी. जी, लाइकवाइज माय फर्स्ट द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टू द शो वाज क्रिकेट. मेरा बचपन का और आई थिंक पूरे लाइफ टाइम रहने वाला है. मेरा पहला प्यार है क्रिकेट एंड दैट इज व्हाट यू नो अट्रैक्टेड मी द मोस्ट. उसके अलावा आई फील द स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग and it's basically the story of a girl who comes from a regressive background and wo himmat karti hai sapna dekhne ki aur wo sapna kaise pura hota hai. That beautiful journey is what Faltu is about. So Akash, what is that one thing about your character that attracted to do this? Kya ek cheez thi wo aapko kafi hi pasand aaya hai is kirdar mein? The character I'm playing is called Ayan Mittal. Ji. And there are a lot of layers to the character. तो बहुत एक अच्छी बैक स्टोरी है अयान की. अच्छी एज इन अच्छी फॉर द ऑडियंस, नॉट फॉर अयान. और जो अयान और फालतू की जर्नी है वो कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं और क्या होता है, दैट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ बट आई रिलेट अ लॉट विद अयान. अयान की स्टोरी एक लड़के की है जो अपनी फैमिली के लिए अपने सपने अपने सारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करके he takes up the responsibility जो भी फैमिली की होती है. बट देन somebody comes in जो उसको उसका सपना याद दिलाती है. तो लेट्स सी. निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या एक किरदार, ये किरदार में क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी ही पसंद आई है और कौन सी चीज़ को नो पूरी करने की कोशिश कर रही है फालतू? सो मैं काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ कैरेक्टर से. फालतू भी बहुत कॉन्फिडेंट है एंड देन मैं भी बहुत सारे सपने देखती हूँ. फालतू के भी बहुत सारे सपने हैं तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है फालतू की. एंड वो कैसे अपने सपने पूरे करती है ये जानने के लिए आप देखिए 2 नवंबर से फालतू रात 9 बजे मंडे टू संडे ऑन स्टार प्लस एंड हॉटस्टार. जी, अगर बात किया जाए निहारिका, टू शो अ क्रिकेटर इज नॉट ईजी. नो आप हमेशा क्रिकेट दिखाना है, फिजिकली बहुत एक्टिव होना है. सो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे, कितनी सारी प्रैक्टिस से की है और पर्सनल लाइफ में क्रिकेट कितना पसंद है? मैंने एक्चुअली मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था इसके पहले. बट ये बहुत जानते हैं तो ये मुझे सिखाते रहते हैं. इनको एक्चुअली मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है तो ये मुझे प्रॉपर स्टांस वगैरह कैसे लेना है सिखाते रहते हैं. अभी भी मेरा सीखना चाहिए. यस, आकाश यू टर्न अ रियल लाइफ अ कोच नाउ. रियल लाइफ में भी एक कोच बन चुके हैं. बन चुका हूँ बट आई बिलीव वो हम सबका है ना एक कम्बाइंड एफर्ट होता है टू मेक द शो बेटर. तो हम दोनों की कोशिश रहती है कि हर सीन को वी गिव इट आवर बेस्ट. और एज यू नो शी हैज नेवर प्लेड क्रिकेट बट फॉर द शो शी स्टार्टेड लर्निंग. और हम लोग तो बचपन से खेल रहे हैं बट कोई नया सीखता है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड कूडोस टू हर फॉर ट्राइंग आवर बेस्ट. हमेशा हमने देखा है कि स्टार प्लस ब्रिंग अप विद न्यू पॉजिटिव थॉट जो ऑडियंस को एक नया सोच के सामने रखती है. इसमें भी काफ़ी एक अच्छी सोच है जहाँ एक स्मॉल, हमने कभी लड़कियों को क्रिकेट के लिए इतना उत्साहया नहीं है. ये शो के जरिए हम देखने वाले हैं वो चीज़, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आपने बोला हमने लड़कियों को क्रिकेट के लिए कभी एनकरेज नहीं किया, उत्साहया नहीं है. बट आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पीपल लाइक मिथाली राज and all the cricketers in our Indian women's cricket team, and especially lately they've been doing so well. Yes. तो inspiration की कमी नहीं है. And especially जो कल BCCI ने step लिया है, you know, deciding to pay them equally, it I feel it's an inspiration. It should be an inspiration for all the other sectors in the country. उनको भी अब समझना चाहिए और इसे सीखना चाहिए कि you know women deserve equal, no less. Yes.
तो निहारिका आप कोई क्रिकेटर को फॉलो कर रही है फीमेल क्रिकेटर में से? या मैं काफी मिताली राज की वीडियोस देखती हूं एंड मैंने शाबाश मिट्टू जो भी क्रिकेट बेस्ड मूवीज थी वो भी देखकर इंस्पिरेशन ली। जैसे कि मैंने प्रोमो में दिखा एक ट्विस्ट है, नो देयर इज अ वन गर्ल इन योर लाइफ जो आपको पति करके बुला रही है, सो लाइक्स लाइक कि पहले ही आपकी शादी हो चुकी है शो में और समथिंग इज रेस्ट ट्विस्ट। शादी तो नहीं हुई है बट ट्विस्ट बहुत सारे हैं, तो अब वो शादी नहीं हुई है बट शी स्टिल कॉलिंग मी, क्या बोलते हैं, हस्बैंड जी। तो हस्बैंड जी अभी तक तो नहीं बना हूं मैं, बट यू विल गेट टू नो। आप लोग शो देखिए। और एक मैं चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि लोगों को लगता है कि वी आर ग्लोरीफाइंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और आप लोग शो देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे जो मैं कह रहा हूं वो सच है, इसलिए प्री जज मत कीजिए, शो देखिए एंड देन फेक जज। यस, कई सारे फैंस ने नो आपके लिए स्पेशली कई सारे नो वीएम्स बनाए हैं, मैंने देखे नो फ्रॉम द थपके से लेकर अभी तक के कई सारे वीएम्स बनाए हैं इवन फ्रॉम द फालतू शो, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब इतना सारा प्यार मिलता है ऑडियंस से, इतना सारा एंकरेज मिलता है? मैं आई फील ओवरवेल्म्ड, मुझे मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि इट्स वेरी स्वीट ऑफ पीपल टू टेक आउट टाइम फ्रॉम देयर डेली लाइव्स, और वो लोग वीडियोस बनाते हैं और they put in so much effort, mujhe lagta hai thank you will never be enough, and it's just very sweet of them and I consider myself and all us actors very lucky. aur aap jo bol rahe ho ki mere liye nahi niharika ke liye banaya, and I'm sure she feels the same. yeah and I love my all fans so much because aap instagram pe apni profile create karte ho but wo apne account se matlab hamare liye efforts karte hain, to mujhe bahut acha lagta hai. a big thank you to all of you. Thank you so much guys for giving a precious time and all the best for the show. Thank you so much. Please watch Faltu from 2nd November 9 PM only on Star Plus and Disney Plus Hotstar. Monday to Sunday. Every day.